बिल्कुल बना रहा हाँ साहब, मैं तो 3 तारीख बोला बता पुट्ठा ऑपरेशन पड़ेगा जी पुट्ठा फोन बढ़िया नहीं तो पड़े पुट्ठा बता ना नहीं था वो सर यार गाड़ी क्या नाम है आपका सुमार खान क्या नाम है सुमार खान सुमार खान जी क्या मामला पूरा मामला बताइए हमारे साहब सुमार खान पुत्र सनब नबू खान मैं कामल की ढाणी से आ गया था करीब अड्डी थी 3 बजे बीच में कब 3 तारीख को और वहाँ से दिन शुक्रवार का था लोना के बेरे पे हमला किया और लोना सनब आचार और हकीम सनब लोना और अनोर सनब लोना और फोटा इस्माइल और मगन फोटा और इमाम फोटा और बिलाल महेंद्रा और सदाम दीनू सावण साकर उमर सुमार और सनोब अपने गफूर खानू जानू मूसा इन लोगों मिल के और मेरे को झगड़ा किया और झगड़ा करके फिर भी 25,000 रुपये में काम की गाड़ी के ले आ रहा था वो अभी तक मुझे भी नहीं मिला वो भी लूट लिया एक अंगूठा की भिंडी थी और तार में हाथ पग बांध के और बिलाल की गाड़ी पे 13 नंबर पे गाड़ी पे बांध के लेके गया 13 29 पे और वहाँ पे जाके मुझे डाला और मैं बेहोश था फिर भी कामल आया और साकर आया हमल आया हाथ पाग बांध के और उसके हाथ में लाठी और सरिया से मुझे मारपीट की कहाँ लगी आपके चोट और माथा पे लगी सर और पूरे शरीर पे लगी और सरिया हाँ कितने आए ऊपर टांके आए सर 7-1 जैसे ऐसे हमरे थे यहाँ से थाना कौन सा लगता है शिव थाना मुकदमा दर्ज कराया आपने मुकदमा दर्ज करा दिया उनमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया अभी भी वो घूम रहे हैं कि तुझे जान से मार देंगे अभी बच गए वो आज भी गाड़ी लेके पीछे घूम रहे हैं बिलाल और पैसा भी पिलाया माथा भी कूड़ा और अभी भी कह रहे हैं धमके नहीं कि तुझे हम जान से मार देंगे हमारा रास्ता भी बांध रहा है और पुलिस भी अभी तक कोई 3 जने को गिरफ्तार किया मामला क्या था आपके मामला कुछ नहीं था पहले पुराना हमारे वो सांड का उसने 2017 में केस किया था वो अदावधी थी सांड वाली है हाँ सांड वाली उसके वजह से हाँ सांड जिंदी है उसने बोला कि पैसे हमको दो राजीबा करूँ पैसा सांड जिंदी है तो मैंने दिया नहीं उससे पहले मुकदमा किया फ्रिज से फाइल बनाई और उससे मेरे को बहुत पहले से पूरा गाँव ने उस सांड के मामले से न्यायत बारा करके रोटी की बीजी नहीं खिलाई उसके बाद में इसने ये झगड़ा किया ठीक क्या नाम है आपका मेरा नाम गौरव खत्री एडवोकेट है हाँ। क्या मामला है इनका सुमार नाम का आदमी है और ये बीबड़ा का रहने वाला है इसके साथ 3 अप्रैल को 14 मुल्जिमानों ने इसके साथ मारपीट की थी वह यूँ था कि इसको लॉकडाउन के दौरान पैसों की जरूरत पड़ी तो ये 25,000 रुपये लेने के लिए कमाल के बेरे पे गया हाँ। वहाँ पे ये पैसे लेके निकल रहा था तो घात लगा के मुलजिम बैठे थे 14 मुलजिम वो इसको ज़बरदस्ती बोलेरो कैंपर में उठा के ले गए और वहाँ पे एक बेरे पे ले गए और बेरे पे ले जाके इसके साथ मारपीट की हाथ पे तार से बांध दिए और इसके साथ सर पे और पीठ पे वगैरह जैसे वार किया और उसके बाद में उसके जेब से 25,000 रुपये ले लिए और उसको ज़बरदस्ती पेशाब पिलाया और इसकी अंगूठी थी और एक घड़ी थी वो उन्होंने छीन के ले ली मुकदमा दर्ज हुआ 61 नंबर CR PSU में दर्ज है उसके बाद ये 5 दिन हॉस्पिटलाइज भर्ती था बाड़मेर हॉस्पिटल में भर्ती रहा 5 दिन पुलिस ने अभी तक 3 मुलजिम को गिरफ्तार किया है 8 11 मुलजिम और गिरफ्तार करने शेष है नए 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और नई बोलेरो गाड़ी अभी तक जब्त की है और नई इसके 25,000 रुपये बरामद किए हैं और सोने की अंगूठी और घड़ी अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं की है ठीक है।